राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही वसुंधरा सरकार को बचाने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेता पसीना बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मंदिर मंदिर मत्था टेक रही हैं, घर घर घूम रही हैं, सरकारी योजनाओं की दुहाई दे रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वसुंधरा उस मिथक को तोड़ पाएंगी जो 25 वर्षों से राजस्थान की परंपरा बन चुकी है, कोई भी सरकार 5 साल के बाद वापस नहीं आई है। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी रंग दिखने लगा है। हर तरीके से हर पार्टी लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहती है, अपने पक्ष में वोट के लिए लोक लुभावन बातों और कार्यक्रमों का दौर जारी है। इस दौर में बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। जिस अभियान की शुरुआत राज्य की सीएम वसुंधरा राजे ने किया था, उसी अभियान के अंतर्गत दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अस्पताल से लेकर अन्नपूर्णा रसोई तक का दौरा किया, 5 रुपए देकर नाश्ता किया, फिर कांग्रेस पर हमला बोलने की तैयारी थी। आज मैंने राजस्थान सरकार की जो स्कीम है अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसका मैंने लाभ लिया, क्योंकि मुझे याद है 2003 और 8 में जब वसुंधरा जी पहली दफा मुख्यमंत्री थी, तब यहां मैं एक दिन आया था, अक्षय पात्र के किचन में गया था और वहां ब्रेकफास्ट किया। बीजेपी अपने नए कार्यक्रम के जरिए लोगों का दिल जीतना चाहती है। इसके लिए बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर रखना चाहते हैं। कांग्रेस हमेशा लेट होती है, वैसे इस बार भी लेट हुई है। हमने 1 साल से लोगों के सुझाव लिए हैं और सुझावों के आधार पर हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा वचन होता है, और हमारा वो वचन पत्र भी समय पे आएगा। लेकिन कांग्रेस में क्या बोलूं, उनके पास न मुद्दा है, न नेता है, न चेहरा है, केवल लठ्ठम लठ्ठा है। इससे पहले इस अभियान के पहले दिन झालावाड़ के रायपुर में खुद सीएम वसुंधरा राजे ने चौथ माता मंदिर में दर्शन कर इसकी शुरुआत की। दर्शन करने के बाद सीएम राजे लोगों के घर घर गईं, महिलाओं से बात की, किचन में गईं, चाय के साथ चर्चा की, महिलाओं और बच्चियों के साथ सेल्फी ली। जब लगा कि लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए ये कम है, तो इस अभियान के पोस्टर को अपने हाथों से चिपकाना शुरू कर दिया। हर चुनाव का अपना मिजाज होता है। सीएम राजे ने नव शक्ति बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। हर हाल में जीत को लेकर बात की गई, बूथ सदस्य से लेकर पदाधिकारियों की बातों को राजे ने ध्यान से सुना, फिर जीत का मंत्र दिया। अब देखना यह है कि बीजेपी को अपने नए नए कार्यक्रमों से कितना फायदा मिलता है। वैसे इस बार राजस्थान के लोगों के दिलों में क्या बसा है, इसका अनुमान किसी को नहीं है।